अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 है, क्लास 11 अभी हमारे पास चल रही है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है कोस ए, और कोस ए का फॉर्मूला आपको ब्रदर अच्छे से याद हो गया होगा। कोस ए होता क्या है, यहां पर ए आ रहा है ना, तो आप लिखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। और सिमिलरली आपको यहां पर कोस बी का फॉर्मूला कोस सी का फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। तो आप क्या लिखेंगे सर, इसके प्लेस में आप यहां पर लिख लेंगे कोस ए के प्लेस में लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपोन में आपके पास ए तो पहले था और मल्टीप्लाई 2bc और है, प्लस कोस बी के प्लेस में क्या लिखेंगे आप, कोस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज वो क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में 2ac। तो ये आपके पास यहां पर आ गया, और एक और था आपके पास क्या था, बी था, तो आप बी यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा फाइनली हमारे पास क्या है कोस सी, और कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन में सी आपके पास यहां पर है, और हमने यहां पे क्या लिखना है 2ab। तो आपके पास एक तरह से देखो 2abc 2abc 2abc। तो यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, और यहां पर आपने एलसीएम ले लिया है 2abc का, तो 2abc से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा सेम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ब्रदर अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जैसे सी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और ए स्क्वायर से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, एक तो ए स्क्वायर बचा है, ए स्क्वायर फिर क्या बचा है बी स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है, फिर क्या है सी स्क्वायर और अपोन में 2abc, और यही हमें लेके आना था। तो ये आसानी से प्रूव हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में, और नेक्स्ट सम है हमारे पास यहां पर, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं और नंबर 12, और नंबर 12 में ये कहता है कि आपके पास है फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, आपको उसमें प्रूव करना है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये सब जीरो होता है। चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए आप किस तरह से चालू करेंगे इसे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप कोट ए को कैसे लिख सकते हैं, आप कोट को लिखते हैं कोस ए अपोन में साइन ए, बात समझ रहे हैं, और इसी तरह से यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोट बी को कैसे लिख सकते हैं कोस बी अपोन में साइन बी, और सिमिलरली आप यहां पर जो है इसको किस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोट सी को आप लिख सकते हैं कोस सी अपोन में साइन सी, ये आपने लिख लिया है। हमने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है सर, कौन सी वाली, कि कौन सी साइन ए अपोन में ए इक्वल टू साइन बी अपोन में बी जो साइन फॉर्मूला होता है, और साइन सी अपोन में सी इक्वल टू अगर आप के अपोन वन मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए आपके पास क्या होता है ए के, तो आप साइन ए के प्लेस में क्या रख देंगे ए के रख देंगे, साइन बी के प्लेस में क्या रख देंगे बी के, और साइन सी के प्लेस में क्या रखेंगे सी के। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया है, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से समझना भाइयों, कोस ए के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, कोस ए का फॉर्मूला रख लूंगा, और कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर यस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन में 2bc, और मेरे पास साइन ए जो था साइन ए के प्लेस में मैं क्या रखूंगा, साइन ए की जगह रख लूंगा मैं ए के, तो मेरे पास यहां पर ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिमिलरली यही केस मैं यहां पे करूंगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोस बी के प्लेस में क्या रखूंगा, कोस बी के प्लेस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में 2ac, और साइन बी के प्लेस में क्या रखूंगा मैं बी के, मैंने यहां पर बी के रख लिया, और सिमिलरली मैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोस सी के प्लेस में मैंने क्या रखना है, कोस सी के प्लेस में कोस सी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन में 2ab, और लास्ट में जो ये साइन सी है नीचे उसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं सी के लिख लूंगा। तो अब आप यहां पे ध्यान दो 2abc के 2abc के
टू ए बी सी के तीनों का जो हमारे पास एलसीएम है वो इक्वल आ गया। तो मैं क्या करूंगा, तीनों का एलसीएम यहां पे लिख लूंगा, टू ए बी सी के, ये मैंने यहां पर लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऊपर मल्टीप्लाई चालू करनी है। तो जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लाई है। पहले आप बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करिए, तो बी पावर फोर, और फिर बी की इससे मल्टीप्लाई करिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसकी बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर का करिए, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे सी स्क्वायर की, तो सी पावर फोर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की करिए, तो माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करिए किसकी, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना ऑप्शन हो गया, ए पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके अलावा आपके पास अब बी स्क्वायर की करिए, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का बी की पावर फोर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ब्रदर सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे के सारे आप कट करके देखना, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन में टू ए बी सी के, ये आपके पास बच जाएगा। और अगर आपके पास न्यूमिनेटर जीरो होता है तो सारा जीरो होता है, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपने ध्यान रखना है। अब हम चल देते हैं नेक्स्ट सम में, और आपको हमेशा ध्यान रखना है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। इसमें आपको मैथ से रिलेटेड सारे सम सबसे इजीएस्ट मेथड से सोल्व मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको दिख भी रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन टू ए है और जो साइन टू बी है और जो साइन टू सी है उसके फॉर्मूले को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए तो ओपन करते हैं, तो हमारे पास हो गया ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहां पर मैं जो साइन टू ए उसे कैसे लिख लूंगा, टू साइन ए कोस ए, आ रही ना बात समझ में, और फिर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखूंगा, टू साइन बी कोस बी, और प्लस यहां पर मेरे पास ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूंगा टू साइन सी और कोस सी, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब आपको यहां से समझना है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी यहां पर बताया था आपको कि साइन ए अपोन में ए, और ये सारा का सारा अगर मैं के रखूं तो साइन ए होता है ए के, और साइन बी होता है बी के, और साइन सी होता है सी के, तो मैं साइन ए के प्लेस में क्या रख सकता हूं, ए के रख सकता हूं। तो देखिए सर, मेरे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर, और यहां पे टू, और साइन की जगह साइन ए की जगह ए के, और कोस की जगह कोस ए का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, और कोस ए मेरे पास क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ए से एक ए काट दिया, मैंने दो ए थे ना, एक ए बच गया, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन मेरे पास आ गया, और इसके अलावा मेरे पास अब कौन सा ऑप्शन रहेगा, अब मैं यहां पर और आगे चालू करता हूं, और आगे है मेरे पास यहां पर है प्लस, इधर देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टू है आपके पास, और साइन बी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था साइन ए के था, तो साइन बी के क्या हो जाएगा, बी के, यहाँ पे आपके पास बी के आ गया। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कोस बी, और कोस बी को आप ओपन कर लीजिए, तो कोस बी को जिस टाइप आप लिखेंगे तो कोस बी की जगह आप क्या लिख लेंगे, कोस बी की जगह आप यहां पर लिखिए सर कितना ऑप्शन, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में टू सी ए, बात समझ में आ रही, अच्छा यहाँ पे क्या होता है टू बी सी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हमारे पास ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, अब यहां पर है टू, और यहां पर हमारे पास था साइन सी, साइन सी तो कितना हो गया सी के, और ये कोस सी कितना हो जाएगा, कोस सी हो जाएगा, आपके पास कितना ऑप्शन होगा, कोस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन में टू ए बी, ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए अब इस टू से ये टू कैंसिल कर लेते हैं ये वाला, और सी से हमने ये सी एक पावर कम कर ली,
यहां पे 2 से ये 2 कैंसिल कर लिया और b से हमने यहां पर जो है ना हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा b के था और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और अब अगला ऑप्शन है हमारे पास कि हमें इसे किस तरह से सोल्व करना है। चलिए देखिए हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो कहीं पर गड़बड़ तो नहीं लग रही है। हमारे पास ऑप्शन है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, आई थिंक ये बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं इसे बी स्क्वायर करता हूँ पहले। तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो मेरे पास है यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप एक बी से एक बी की पावर को काट लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, टू ए बी सी, यहाँ क्या बचा है टू, हमारे पास यहाँ टू से तो टू कैंसिल का हो गया ये रहा, तो यहाँ बचा है ए बी सी, यहाँ पे भी क्या बचा है ए बी सी और यहाँ पे भी क्या बचा है ए बी सी, तो आप ए बी सी का एलसीएम ले लीजिए। तो आपके पास एलसीएम में कितना आ गया है, ए बी सी आ गया। अब ए बी सी एलसीएम आया तो सीधा ऊपर वही आना है मल्टीप्लाई में, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास कितना ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहां पर आपको बताता हूँ बी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई, और के भी है बाहर, तो चलिए के को तो सबका ही बाहर ले लेते हैं, के मैंने यहाँ बिल्कुल बाहर ले लिया है। अंदर मेरे पास बी स्क्वायर की इससे बी की पावर फोर और बी स्क्वायर की इससे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर की इससे तो माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का सी स्क्वायर और इसके अलावा बी स्क्वायर, माइनस के सी की पावर फोर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया है। अब इसके बाद सेकंड को ले लीजिए और सेकंड में बी स्क्वायर की यहां मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की इससे करिए माइनस की बी की पावर फोर, माइनस सी स्क्वायर की माइनस सी की पावर फोर, माइनस हमारे पास ऑप्शन आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपके पास यहां तक आ चुका है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, के तो मैं बाहर कॉमन ले चुका हूं, यहाँ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए तो ए की पावर फोर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की करिए माइनस के तो माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस का बी की पावर फोर और माइनस का आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके पास आ चुका है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे के सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा आपके पास जीरो, तो जीरो की कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अपोन में ए बी सी, यानी कि जीरो अपोन में ए बी सी और जीरो अपोन में ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो आई होप ये जो बताने और समझाने का तरीका था आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, अगर आपको ऐसा अच्छा लगा है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।